राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली विधानसभा से पारित हुए विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DIRC के अध्यक्ष और सदस्यों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 70 साल करने का प्रस्ताव है। उनका कहना है कि विद्युत अधिनियम एक केंद्रीय कानून है और विधानसभा को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली विधानसभा ने मार्च 2022 में दिल्ली विद्युत सुधार विधेयक 2022 पारित किया था। इसे LG ऑफिस के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति ने विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल को लौटा दिया है। राष्ट्रपति के प्रस्ताव खारिज करने के बाद अगला कदम अब क्या होगा, इसका जवाब देते हुए CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें फिलहाल इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है, वो मामले की जांच कराएंगे। दरअसल DIRC में 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। उनका कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, यानी सदस्य या अध्यक्ष की उम्र 65 साल हो जाए या फिर वो पद पर 5 साल तक रहे तो इन दोनों ही सूरत में वो रिटायर हो जाते हैं। इन पदों पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को नियुक्त किया जाता है। दरअसल सरकार विधानसभा में विधेयक लाकर आयु मानदंड में संशोधन करने की कोशिश कर रही थी ताकि एजेंसी द्वारा उस वक्त बिजली दर के ऐलान में होने वाली लेट लतीफी से बचा जा सके, जब अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही एक ही समय में रिटायर हो जाए। ज्यादातर लोग 60 या 62 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद DIRC में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। सरकार ने मौजूदा नियमों में बदलाव करने की कोशिश की ताकि इस परेशानी से बचा जा सके।